हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सहजन की फली। इसे मोरिंगा भी बोलते हैं। ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसकी सब्जी इन्हीं मौसम में ये मिलती है। वैसे तो ये दो मौसम में मिलती है, लेकिन इस मौसम में आसानी से मिल जाती है। इसके पत्ते फूल सभी की सब्जी बनती है। आज मैं आपको सहजन की फली की सब्जी बता रही हूँ। इसे हम छीलेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। इसे हम ऐसे ही काटेंगे धो के। इसके लिए मैंने एक आलू लिया है, दो प्याज है, 4 से 5 लहसुन की कली है। चलिए इनको धो के छील के काट लेते हैं। इस फली को सहजन की मैंने इसे छोटे टुकड़ों में कट किया है। यदि ये थोड़ी मोटी होगी तो इसे छील के काटिएगा, और यदि ये मुलायम है तो आप इसे बिना छीले काट लीजिए। ये ऐसे ही कट जाती है जैसे भिंडी कटती है। और दो आलू लिए थे जो मैंने कट कर लिए हैं। ये सब्जी बहुत फ़ायदेमंद होती है, बच्चे बूढ़े सभी को खिलाइए। इस मौसम में ही मिलती है ये। वैसे मिलती दो मौसम में है, लेकिन इस मौसम में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, ये गर्मी में ही आती है। मैंने प्याज लिए, आधी कटोरी प्याज है जिसे मैंने कट कर लिया है। लहसुन को भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधी कटोरी है ऐसे टुकड़ों में कट किया है बिना छीले। यदि ये मोटी होगी तो इसे छील के काटिएगा। बनेगी सब्जी सेम जैसे पतली फली की मैं सब्जी बना रही हूँ, ऐसे ही मोटी फली की बनेगी। वो भी काट के बनती है। इसे हम सूखा बनाएंगे, रसेदार नहीं बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। मैंने गैस पे रख दी थी, ऑयल चढ़ा दिया था। ऑयल गरम हो गया है। आधी चम्मच से कम जीरा है। लहसुन डालेंगे। लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तभी हम प्याज डालेंगे। देखिए, लहसुन हल्का ब्राउन हो गया है। अब ये प्याज के साथ पक जाएगा। अब प्याज डालेंगे। अब इसे भून लेंगे प्याज को। प्याज हमारी भून गई है, ये देखें। इसी तरह हमें भूननी थी। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर है आधी चम्मच से कम। इसमें सेजन डालेंगे। अभी हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। सब्जी जब हमारी थोड़ी गल जाएगी हम टमाटर तभी यूज करेंगे। अभी सेजन डाल रहे हैं। सेजन डालने के बाद हम सीधे नमक डालेंगे। इसमें आधी चम्मच नमक है। नमक स्वाद अनुसार है। नमक को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे, सिलोगे इस पे। आलू को हम बाद में डालेंगे। 1 मिनट बाद आलू डालेंगे ताकि सेजन अच्छे से गल जाए। आलू जल्दी गल जाएगा, सेजन थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हम 1 मिनट सेजन को पका रहे हैं। पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम चेक करेंगे। इसमें कोई पानी हम यूज नहीं करेंगे। ये देखिए, 1 मिनट बाद हम इसमें आलू डाल रहे हैं। आलू डाल दिया है हमने इसमें। अब हम इसे ढक देंगे और इसी तरह पकाएंगे हम सिलोगे इस पे। पानी बिल्कुल यूज नहीं करना। आलू डाल के भी
एक मिनट हो गया है, ये देखते हैं। अभी आलू गला नहीं है, इसे हम फिर ढक देंगे, खोल के चेक करेंगे। अब इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चेक करेंगे, क्योंकि सब्जी में पानी नहीं है इसलिए लगने का डर है, कहीं हमारी सब्जी जल ना जाए, इसलिए हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये देखिए आलू पका हो चुका है, आधा गल चुका है आलू, तभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे। मैं नमक ले रही हूँ थोड़ा सा, गरम मसाला, धनिया पाउडर। अब हम इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि टमाटर में पानी है इसलिए सूखे मसाले अच्छे से पक जाएंगे टमाटर में। अब हम इसे ढक रहे हैं, टमाटर डाला है इसलिए हम इसे ढक रहे हैं एक मिनट के लिए। इस तरह सब्जी को पकने में 5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये। ये देखिए दोस्तों, ये गल चुकी है सब्जी हमारी, पक गई है अच्छे से। ये इसे हल्का सा भून लेंगे इस तरह। टमाटर और आलू सभी चीज़ गल चुकी है। अब हम इसे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें धनिया डालेंगे हरा। बनके रेडी हो जाती है और ये बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आएगी, क्योंकि हमने इसे इस तरह बनाया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बूढ़े सभी पसंद करेंगे। एक बार ज़रूर बनाइए, ये सेहत और स्वाद से भरपूर है। स्वादिष्ट सब्जी रेडी है सहजन की। हरे धनिया से मैंने इसे सर्व किया है, एक बार ज़रूर बनाइए, ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ दोस्तों ये बहुत फ़ायदा करती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, इसमें कैल्शियम भरपूर कैल्शियम होता है, इसलिए ये हड्डियों के दर्द और घुटनों के दर्द के लिए फ़ायदा करती है। एक बार ज़रूर बनाइए, और ये इस मौसम में आसानी से मिल जाती है, मार्केट में इस समय आ रही है, आप ज़रूर बनाइए। एक बार बनाइए, खाइए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।